तो गुजरांवाला की याद आ गई मुझे, ये पूरे पूरे पाए देख के जो है ना, ये रखे हुए चपली कबाब, और ये आ गया हमारा मटन कुन्ना। दही फुलकियाँ, चने, बहुत ही आला, बड़ा खट्टा लजीज चटपटा मसाला है मिर्च वाले पकौड़े में। लस्सी जो है ना वो भी इफ्तारी के अंदर बड़ी हेल्दी चीज़ है भाई। I think the quality of the food is fantastic, service is good, atmosphere is great, nice and clean, it's brilliant. Thank you. You're welcome. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़िया तबारक, और भाई आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आज रमज़ान के इफ्तार और डिनर के लिए हम आए हैं बहुत ही फेमस रंगोली रेस्टोरेंट, जिनका ब्रेकफास्ट लंच और डिनर बुफे तो मशहूर है ही, लेकिन इनका इफ्तारी बुफे कैसा है वो आज हम देखेंगे। तो फिर चलें। अच्छा भाई, अंदर आप आते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के जो है ना वो पैनोफ्लेक्सेस लगे हुए हैं, जिन पे इनके जो हॉल्स हैं काफ़ी सारे उनकी कैपेसिटी लिखी हुई है। किसी की कैपेसिटी है 35, किसी की 70, 120, 170, और जेड हॉल की है 550, और उन सब में जो है ना वो अफ्तार बुफे भी होता है। तो आप अपने हिसाब से अरेंजमेंट कराना हो तो वो भी करा सकते हैं। प्लस ये कि नमाज़ की जगह यहाँ पर है, मस्जिद यहाँ पर है, वरना वहाँ जेड गार्डन है, वहाँ पर जेंट्स की नमाज़ की जगह है, और औरतों की जो है वो नमाज़ की जगह वो अंदर ही ऊपर कहीं इन्होंने बनाई हुई है, वहाँ पर नमाज़ भी हो सकती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सीन है, अंदर चलते हैं, इफ्तार में थोड़ा टाइम रह गया है। ठीक है, भाई आ गए हम यहाँ पे, और ये जो मैंने अभी नीचे देखा 20% डिस्काउंट। सर ये 20% डिस्काउंट सिर्फ रमज़ान ऑफर है, रमज़ान के 14 रमज़ान तक। अच्छा, 20% डिस्काउंट होगा, उसमें एक लस्सी भी होगी। एक पर हेड क्या पड़ेगा? पर हेड 2750 रुपये पड़ेंगे। 2750, इसमें टैक्स इंक्लूड है, दो गेम इंक्लूड है, और इसमें एक एक लस्सी होगी, एक एक कैन में कोल्ड ड्रिंक होगी, पानी जितना भी हो शामिल होगा, एक एक फ्रेश जूस भी होगा, फ्रेश जूस भी ये सब शामिल करके। और अफ्तारी डिनर जो होता है वो तो है, खुलने से लेके 9:30 बजे तक जितना रमजान के बाद रेगुलर प्राइस हो जाएगी, उसके बाद 10% आ जाएगा। 10% आ जाएगा। ओके ओके जी, रंगोली में हम आ गए हैं भाई, और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे माहौल बना हुआ है, तैयारी चल रही है। हम थोड़ा पहले आ गए हैं तो ज़रा प्रिपरेशन देखते हैं, किचन के अंदर चलते हैं। यहाँ पे रोल, प्रॉन्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ें फ्राई हो रही हैं, तैयारी डिनर की भी हो रही है, इफ्तार की भी हो रही है, ज़रा दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है, खैरियत से, ज़बरदस्त। किस चीज़ की तैयारी हो रही है? डिनर की। डिनर की यहाँ पे ये तेल गर्म हो रहे हैं, किस चीज़ के लिए? ये लाइव प्रॉन टेम्पुरा। रोल फ्राई हो रहे हैं भाई यहाँ पे ये। भाई हम थोड़ा सा जल्दी जानबूझ के आए ताकि ये जो सारी प्रिपरेशन है ना, क्योंकि हम लोग आते हैं इफ्तार के टाइम के ऊपर, उस वक्त सारी चीज़ें रेडी होती हैं, तैयार होती हैं, लेकिन ये जो मेहनत होती है, ये जो काम हो रहा होता है, ये जो पीछे किचन के अंदर सारी एक्टिविटी होती है, असल मज़ा तो भाई इसी के अंदर आता है। ये देखें आप, सब्जी लगी हुई है, बड़ी ज़बरदस्त हीट आ रही है, और रोज़े के अंदर कैसा लगता है जब आप सब्जी बना रहे होते हैं तो? अच्छा लगता है, है? अच्छा लगता है, दिल नहीं चाहता कि थोड़ा सा तोड़ के खा लूँ। रोज़े में कैसे खा सकता है? हाँ, ये यहाँ पे क्या लग रहा है भाई? ये रेशमी कबाब है। रेशमी कबाब, वाह भाई वाह। और ये चिकन टिक्का बोटी है। चिकन टिक्का बोटी, बटेर में मसाला डल रहा है जी सर। ओए, कौन कौन से मसाले डलते हैं इसमें? तो इसमें फ्रेश चिली वगैरह डलते हैं, रेड चिली डलते हैं, और विनेगर डलते हैं, चिली सॉस डलते हैं। ये प्रॉन टेम्पुरा जी, ये प्रॉन टेम्पुरा। ये देखिए भाई, आप प्रॉन का साइज देखें आप, माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रॉन का साइज है ये। हाफ डन कर रहे हैं? हाँ, थोड़ा हाफ डन कर रहे हैं, से एक क्राउड आएगा तो अफ्तारी के टाइम के ऊपर क्राउड आएगा, तो फिर उसमें जो है ना हमें थोड़ा सा उसके वजह से थोड़ा सा हाफ डन करके रखेंगे, जैसे ही आएगा फोल्ड डन करके इनको आगे पेश करेंगे। भाई बहुत ही जो है ना वो यहाँ पे लेविश किस्म के आइटम हैं अफ्तारी के अंदर, प्रॉन्स और कबाब और सब्जी और बारबेक्यू प्रॉन्स वगैरह भी हैं। तो ऑब्वियसली 2750 आपको 20% डिस्काउंट के बाद यहाँ पे प्राइस है, तो आपको आइटम्स भी सारे उसी तरह के मिल रहे हैं, और अफ्तार के अंदर प्रॉन हो
कॉर्न टेम्पूरा माई फेवरेट, तो फिर बात ही क्या है। क्या बोल रहा है ये? तवा फिश बन रही है, ग्रीन तवा फिश। जी सर। ये डिनर के लिए, अफ्तारी के लिए? ये डिनर के लिए, ग्रीन मसाले में तैयार किया, नाम ही ग्रीन मसाला है। ग्रीन मसाला फिश। जी, अभी इसको सबा खारा बोलते हैं। सबा खारा? जी, समक फिश को बोलते हैं ना वहाँ पे। भाई इफ्तार में जो है ना वो थोड़ा टाइम रह गया है, तैयारी चल रही है इफ्तारी की, और समोसों की, रोल्स की, फ्रूट चाट वगैरह वगैरह जो भी इफ्तारी के ख़ास आइटम होते हैं उनकी खुशबुएँ जो है ना वो महक जो है ना वो भूख को चमका रही है। और ये जो टाइम होता है ना रोज़े से थोड़ा पहले का, ये बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है भाई, क्योंकि इसके अंदर बर्दाश्त जो है ना वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हद पर पहुँची हुई होती है। और इसी टाइम के ऊपर जो है वो दुआएं भी ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि ये जो मौका होता है अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि रोज़ेदार के सामने मज़े मज़े की चीज़ें रखी होती हैं, वो लेकिन वो अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह की रज़ा की खातिर, अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए वो हाथ नहीं लगाता उन खाने पीने की चीज़ों को। तो ये टाइम दुआ की कबूलियत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये सामान आ रहा है भाई इफ्तारी का, है दही फुल्कियाँ, चने, और दही फुल्कियाँ आ रही हैं, सैंडविचेस। वाह भाई वाह, क्या आया भाई? फ्रूट चाट, चीकू पड़ा है फ्रूट चाट पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे ठीक है? अल्लाह का शुक्र करें। मैं मालूम ये कौन सा हॉल है? ये दरीचा है, यहाँ भी सेटिंग देते हैं। अच्छा अच्छा, जब यहाँ पे जब रश ज़्यादा हो जाता है, हाँ रश ज़्यादा होता है, सेटिंग यहाँ पे भी हम लोग दे देते हैं दरीचा, क्योंकि रमजान में तो वैसे ही माशाल्लाह रश होता है। रमजान में रश बहुत ज़्यादा होता है, तो हमने क्राउड को डिवाइड कर दिया है ना, दरीचा हॉल में दे दिया। नीचे जेड हॉल में भी जो है हम लोग सेम रंगोली एक्सटेंशन का बुफा लगा रहे हैं अफ्तार कंटेनर का। ज़बरदस्त। जैसे जैसे अफ्तार का टाइम करीब आता जा रहा है भाई, हॉल के अंदर जो है ना वो रश बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी बिल्कुल शुरू रमज़ान है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा रश है। और जैसे जैसे रमज़ान आगे आता जाता है, रश जो है ना वो और मज़ीद बढ़ता जाता है। अच्छा भाई, अफ्तारी के आइटम मैं आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पे पकौड़े रखे हुए हैं, मुख्तलिफ़ तरह के मिक्स पकौड़े, समोसे, स्प्रिंग रोल, और यहाँ पे ये जलेबी आ गई हमारी। उस तरफ जो है वो केचप चटनियाँ वगैरह भी रखी हुई हैं। अफ्तारी का ये पूरा बुफे जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर डिनर का लगेगा, जिसके अंदर सारे सब्जी और चाइनीज़ और कॉन्टीनेंटल और पाकिस्तानी सारे आइटम होते हैं। ये देखिए भैया आप, यहाँ पे जो है ना वो अभी फुल सीन ऑन हो गया है, काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए हैं यहाँ पे। कैसे हैं आप? कैसे ठीक है? अभी आपका मैं देख रहा था परसों नाजमाबाद वाला। जी जी जी, कैसे ठीक है? अल्लाह का शुक्र जबरदस्त। लास्ट ईयर पूरा फॉलो किया रमजान में आपको मैंने। थैंक यू थैंक यू। और ठीक है आप? बहुत शुक्रिया। रोज़ा खुलने में सिर्फ चंद मिनट बाकी हैं, और यहाँ पे जो है ना वो सब लोग अपनी इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। भाई काफ़ी सारी चीज़ें अफ्तारी में हैं, हमने थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ली हैं, क्योंकि डिनर के अंदर काफ़ी हैवी ड्यूटी मेन्यू होता है। और यहाँ पे ज़बरदस्त से पकौड़े और समोसे और रोल वगैरह है जो अफ्तार के ख़ास आइटम होते हैं। ये चेक करें आप भाई, छोटा सा स्प्रिंग रोल है। जितनी भी चीज़ें हों, लेकिन जब तक अफ्तारी के अंदर समोसे और फ्रूट चाट और दही बल्ले चाट ना हो, जब तक अफ्तारी का जो तसव्वुर है ना वो पूरा कम्प्लीट नहीं होता। सुभानअल्लाह बिहम्दिही। भाई ये चाट जो है ना वो मुझे बहुत ही आला लग रही है, मिक्स चाट है ये, पापड़ी भी इसके ऊपर है, आलू भी इसके अंदर डले हुए हैं, पापड़ी वाली चाट। मज़ेदार। ये दही बूंदियाँ जो है ना ये भी आप मिक्स करके खाएं चाट के साथ, तो भाई माहौल बनता है। वेरी नाइस। ये भाई क्रीम फ्रूट चाट। भाई मेरी रिकमेंडेशन जो ये होती है कि जब आप इस तरह के बुफे में आए ना, तो अफ्तारी पे रखें थोड़ा हल्का हाथ, क्योंकि अफ्तारी से ही अगर पेट भर जाएगा तो फिर डिनर में क्या खाएंगे, है ना। और यहाँ पे देखिए तीन तरह के जूस हैं, एक ये जूस है, ये लस्सी भी है, और साथ में ये ट्रेडिशनल
जब ठंडा ठंडा पानी या शरबत जाता है ना रोज़ा पूरे दिन के रोज़े के बाद, तो फिर जो दिल से अल्लाह ताला का शुक्र निकलता है उसकी बात ही और होती है भाई। वाह सुभान अल्लाह। मज़ेदार। अफ्तारी थोड़ी सी और खाते हैं, उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं और फिर शुरू होगा डिनर का सीन। लस्सी, लस्सी जो है ना वो भी अफ्तारी के अंदर बड़ी हेल्दी चीज़ है भाई। अफ्तार में इसी तरह की चीज़ें होनी चाहिए, फ्रूट, दही, लस्सी वगैरह। ये मसाला भरे हुए मिर्च वाले पकौड़े, बड़ा ज़बरदस्त मसाला भाई अंदर, बहुत ही आला, बड़ा खट्टा लजीज चटपटा मसाला है मिर्च वाले पकौड़े में। मिर्च का पकौड़ा हाईली रिकमेंडेड। क्रीम फ्रूट चाट भी है, नॉर्मल फ्रूट चाट भी, चाट मसाला भी हल्का सा है, ट्रेडिशनल ज़बरदस्ती फ्रूट चाट। चलें जी अफ्तारी हो गई, अब नीचे चल के ज़रा नमाज़ पढ़ लेते हैं गार्डन में और फिर डिनर का सीन है भाई। नमाज़ पढ़ के हम ऊपर आएँ तो यहाँ पे तो सीन ही बदल चुका है बिल्कुल, क्योंकि खाने का बुफे लग चुका है और क्योंकि अफ्तार के टाइम पे एक साथ सबको रोज़ा खोलना होता है तो बहुत रश था। अब जो है वो लोग स्कैटर्ड हो गए, आराम आराम से खाना पीना चल रहा है, तो हम भी ज़रा अपनी चीज़ें लेते हैं और खाना शुरू करते हैं। ये क्या है? वही वाली फिश जो पीछे पड़ रही थी उधर। अच्छा ये रखे हुए चपली कबाब, कौन से राइस है ये? ये स्पेशल अरीना वेजिटेबल फ्राइड राइस। आप कह रहे थे? जी जी ठीक ठाक, ज़बरदस्त अरीना फ्राइड राइस, स्पेशल फ्राइड राइस, अरीना स्पेशल फ्राइड राइस के बराबर में रखे हुए चिकन मंचूरियन, ये मंगोलियन थाई फिश, यहाँ पे ये है बीफ चिली, ओके, और यहाँ पे ये चाउमिन आ गया, यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज, यहाँ पे हमारे चिकन कटलेट्स, चिकन कटलेट्स, हाँ बहुत अच्छा आइटम है। यही मैंने जो पिछली दफ़ा आया था तो मेन्यू कुछ डिफरेंट था और अभी कुछ मेन्यू डिफरेंट है सर। ये हमारे जो अफ्तार डिनर का मेन्यू रहेगा, वो जो दूसरा डिनर मेन्यू है वो डिफरेंट होता है। हाँ मतलब चेंज करते रहते हैं, डिशेस चेंज करते रहते हैं, महीने बाद चेंज करते हैं। जब भी आप आए तो आपको हो सकता है नए आइटम मिले, एक नई चीज़ मिले आप। ज़बरदस्त, ये बहुत लविश डेजर्ट काउंटर है हमारे, तकरीबन 20 से ऊपर आइटम है डेजर्ट में हमारे पास माशाल्लाह, 20 से ऊपर आइटम है। देखिए माशाल्लाह अलग अलग डाइट में भी हमने रखा हुआ है शुगर फ्री, ये शुगर फ्री है जी जी। डेजर्ट भी हम लोग चेंज करते रहते हैं डेली, चेंज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट, खीर, दूध दुलारी, वो उधर वहाँ पीछे मिलती है भाई आइसक्रीम, आइसक्रीम है, फालूदा है, आइसक्रीम फालूदा, टू टाइप आइसक्रीम है, वन टाइप फालूदा है। ये मिठाइयाँ लगी हुई हैं सारी, बालूशाही, लड्डू, गुलाब जामुन, पतीसा, गरम गरम गुलाब जामुन, ओए होए होए होए, और ये गजरेला, ओके, और यहाँ पे आ जाएं आप। ये जो है ये देसी खाने स्टार्ट, देसी खाने आपसे स्टार्ट हो गए। ब्रेन मसाला, ब्रेन मसाला कैसा लगता है आपको? ब्रेन मसाला है गंगुली का खाना कैसा लगा? नंबर वन है, ज़बरदस्त। ये देखें भाई मिक्स वेजिटेबल आ गई यहाँ पे, और ये आ गया आपका आलू गोश्त, फिर ये आ गई हमारी चिकन कढ़ाई बिरयानी, और ये आ गया हमारा मटन कुन्ना, और फिर ये आ गया आपका मटन नमकीन विद राइस। वाह वाह वाह। सर ये जेबा इसको भी जो है मटन नमकीन को जो है कल हम बड़ी डिश में लगा के इसकी जगह पे हम भी पानी पुलाव इंशाल्लाह ऐड करेंगे। अच्छा अच्छा, हम चेंज करते रहते हैं इसके अंदर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मटन का हलीम है, मटन की काफ़ी अच्छा, मटन का हलीम है जी बिल्कुल, गुड यार, मटन का हलीम है, मटन का पाया देंगे, ये फुल पाया है हमारे माशाल्लाह से। ये पाया चेक करो भाई, वाह यार वाह, फुल पाए हैं भाई, फुल पाए। ये देखें ये आए और आए, तो गुजरांवाला की याद आ गई मुझे, ये पूरे पूरे पाए देख के जो है ना गुजरांवाला की याद आ गई ये। वाह भाई वाह, बेहतरीन हो गया ये तो। और इधर जो सबसे ज़्यादा रश लगा हुआ है वो है प्रॉन्स के ऊपर। कैसे हैं आप? ठीक है, ज़बरदस्त। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। हेलो, Hi. Hi guys, where are you from? I'm from China. What did you eat? Barbecue.
The barbecue. Yeah. Did you try the prawn tempura? Yeah. Like it? Yes. Thank you. अच्छा भाई, हम जहाँ बैठे थे वो बारादरी था, ये सामने झरोका हॉल है, यहाँ पे भी लोग बैठे अफ्तारी कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। कैसी हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। कैसा लगा आपको अफ्तार डिनर गंगुली का? ओवरऑल मुझे अच्छा लगा, टेस्ट वगैरह बहुत अच्छा है। टेस्ट अच्छा है? Yeah. Hello. You can do it. Okay. How are you? I'm good. How are you? I'm very well, thank you. Where are you from? I'm from the UK. UK? Yeah. It's really good, yeah. I think the quality of the food's fantastic, service is good, atmosphere is great. That's clean, it's brilliant. Thank you. You're welcome. भाई काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो थोड़ी थोड़ी हम लेकर आ गए हैं अपनी टेबल के ऊपर। भाई बिस्मिल्लाह करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो पाए हैं ना ये, मुझे ये तो बहुत ही आला लग रहे हैं। आप ये देखें ज़रा, ये चेक करें, थोड़ी थोड़ी सी मैंने चीज़ें ली हैं ताकि वेस्ट नहीं हो। ओहो, ये चेक करो भाई, ये गले हुए हैं इतने पाए के हाथ नहीं रखा जा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हड्डियाँ इतनी गली हुई है कि हड्डी तक जो है ना वो चब रही है पाए की, बहुत ही आला यार। ये पाए इतने आला हैं कि बाकी चीज़ें जो है ना इनकी तरफ मैं कैसे जाऊं, मैं ये सोच रहा हूं। अब पाए की कैटेगरी के अंदर ही आता है ये मटन कुन्ना। ओहो, मटन के पाए, मटन कुन्ना, नो डाउट जो खाने का टेस्ट है ना वो क्वालिटी वो बहुत ही टॉप नॉच है भाई रंगोली की। अगर मैं कहूं कि कराची का बेस्ट बुफे है ये तो गलत नहीं होगा, क्योंकि खाली ये नहीं है कि यहाँ पे डिशेस बहुत सारी है बल्कि खाने का टेस्ट भी बहुत मैटर करता है। बहुत सारी डिशेस हो लेकिन खाने में टेस्ट नहीं हो तो फिर ऐसे खाने का क्या फ़ायदा है। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ ऐसी है जिसका टेस्ट हाई क्लास, माशाल्लाह। ये भाई हमारी एक सब्सक्राइबर आई है, खाना खा लिया आपने? चले भाई, पाए खा लिए, मटन कुन्ना खा लिया, तो हलीम ना खाएं ऐसा कैसे हो सकता है। और ये हलीम जो है ना ये भी मटन का है, यानी आप ये देखें कि मटन के पाए हैं, मटन कुन्ना है, मटन का ही हलीम भी है। तली हुई प्याज, पुदीना, घी का तड़का, सारे लवाजमात हलीम के अंदर मौजूद हैं। कटागढ़ स्टाइल का ब्रेन मसाला, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, हरी मिर्चों की टॉपिंग इसके ऊपर हुई हुई है। बड़ा मज़ेदार सा सिर्फ ब्रेन मसाला ही है ये, कोई बिसाइन वगैरह इसके अंदर नहीं आ रही, बहुत ही मज़ेदार है। माय फेवरेट प्रॉन टेम्पूरा। क्रिस्पी क्रंची, और प्रॉन का साइज़ भी हमने देखा कि छोटा प्रॉन नहीं है, काफ़ी अच्छे मीडियम साइज़ के प्रॉन्स हैं। बटेर, भाई बटेर में खा लेता हूँ लेकिन मुझे इसके मुकाबले में प्रॉन टेम्पूरा जो है ना वो ज़्यादा पसंद है। आपको कैसी लगती है बटेर मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये भाई फिश, फ्राइड फिश है, ट्रेडिशनल लाहौरी स्टाइल की, और इसके ऊपर चाट मसाला वगैरह उन्होंने भुरका हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी मज़ेदार टेस्ट आ रहा है। वेरी नाइस। कोल्ड ड्रिंक भी शामिल है ना इसके अंदर? इसमें ड्रिंक भी शामिल है। चले एक ड्रिंक ले आए हमारे लिए। ओके सर, गेम के कूपन भी है सर? दो गेम के कूपन भी हैं भाई, दो गेम्स के कूपन है 14 रमजान तक, उसके बाद फिर एक गेम का कूपन हो जाएगा। तो गेम के कूपन होते हैं 15 डेज तक के लिए वैलिड। तो आप अगर आज खाना खाने के लिए आए हैं लेकिन आज आपको गेम नहीं खेलना है, आपको जाना है, तो आप 15 डेज तक उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। बाद में आके भी खेल सकते हैं, तरावी पढ़ के आके फिर भी खेल सकते हैं क्योंकि 11 बजे तक की टाइमिंग है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी हम ये ज़रा कोल्ड ड्रिंक मंगवाइए, खाना फिनिश करें, उसके बाद फिर डिज़र्ट खाना है। ये प्रॉन्स का स्पेशल स्वीट एंड सॉर सॉस भी है भाई, जब आएँ तो ये ना लेना भूलें। और खाना खाया आपने? सर बिल्कुल, माशाल्लाह कैसा टेस्टी खाना था। असल मैं इनका तकरीबन 5 साल से कस्टमर हूँ। अच्छा, तो मुसलसल आता रहता हूँ तकरीबन। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। रमजान में तो मुसलसल तकरीबन पार्टीज वगैरह जो भी फैमिलीज को यहाँ ही लेकर आते हैं। सही सही, खाना वगैरह गेमिंग वगैरह बहुत माशाल्लाह अच्छी है, और इनका रेस्पॉन्स जो स्टाफ है और बहुत कॉपरेटिव, बहुत अच्छा है, बेहतरीन, स्पेशली बहुत फैमिली में भी सफरों से आता हूँ। ज़बरदस्त यार, इंशाल्लाह। भाई डेजर्ट्स तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, खीर है, गुलाब जामुन है, गजरेला, क्रीम कस्टर्ड पुडिंग, लेकिन यहाँ पे एक डिश है जो अरेबिक है, इसका नाम है उम्मे अली, और ये इजिप्शियन डिश है, ये मैं टेस्ट करूँगा। ये इतनी हेल्दी डिश है ना,
काफ़ी सारे इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी हैं, क्रीम भी है, आई थिंक शहद भी इसमें डलता है। और जो मुझे पता है, आई एम नॉट श्योर कि ये बात सही है कि नहीं, कि इजिप्ट में एक खातून थी जो उम्मे अली का मतलब होता है अली की वालदा, तो उनका कोई बेटा था अली, उनकी वालदा ये डिश बनाती थी और फिर ये करते 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 जो है ना ये मशहूर हो गई और इस डिश का नाम ही पड़ गया उम्मे अली। और ये मिस्र की डिश है ओरिजिनली, तो इसका नाम इस वजह से ये जो है ना वो उम्मे अली नाम है इसका। अब इस स्टोरी में कितनी सदाकत है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस डिश का नाम तो भाई यही है। मक्का मुकर्रमा में मैंने खाया था, एक डिश थी अरीका, वो भी बहुत हेल्दी बहुत रिच डिश थी, उसमें भी ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारी चीज़ें थी, उससे मिलती जुलती डिश है ये। और मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई हम रेगुलर मिठाइयाँ खीर वगैरह तो खाते ही रहते हैं, आप लोग यहाँ पे आएँ और अगर ये उम्मे अली उस दिन हो जिस दिन आप लोग आए हैं तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार है, हेल्दी। हाँ भाई तो फिर चले चले। ओके भाई, खाना तो हमने खा लिया है, बहुत ज़बरदस्त, शहरी तक की गुंजाइश पूरी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और 20% डिस्काउंट चल रहा है रंगोली पे 14 रमज़ान तक, इसके साथ साथ आपको एक की जगह दो गेम्स के वाउचर मिलेंगे। गेम्स के वाउचर हमने ले लिए हैं, वो हम खेलेंगे इंशाल्लाह ताला किसी और दिन, क्योंकि अभी हो रहा है तरावी का टाइम। आज की ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, रंगोली पे आएँ, मज़ेदार इफ्तार बुफे डिनर इन्जॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।